नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने एक टेबल बनाया था प्लाई से, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि आप ना एक लकड़ी से स्टूल बना के दिखाओ बोल के। मैंने प्लाई का स्टूल बनाया हुआ था, तो आज यार इस वीडियो को पूरा देखना भाई। मैं आज आपको लकड़ी से बेहतरीन स्टूल बना के दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में, और पूरा डिटेल से आपको सिखाएंगे कि स्टूल कैसे बनाया जाता है। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक यार, इसकी बिल्कुल हिम्मत करना भाई, क्योंकि बेहतरीन वीडियो होने वाली है। चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दबा देना बेल आइकन की घंटी को, वहाँ पे ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो इसको हम 2 इंच का पाया बनाएंगे रंदा वंदा मार के, और इसका जो हाइट है, हम इसका हाइट जो है 21 इंच का बनाएंगे, जो स्टूल जो है 21 इंच का। तो परफेक्ट कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस तरह का हमें 4 पाया चाहिए। तो पहले चलिए हम इसको रंदा वंदा मार के कटिंग वटिंग करके फिनिश करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने इस एक पाए को अच्छे से रेन लिया, गोली गुनिया बना लिया, ठीक है। देख सकते हो हमने बिल्कुल इसको चारों तरफ से इसको बिल्कुल गुनिया में बनाया हुआ है। आप भी इस टाइप से बनाना, और हमने यहाँ पे देख सकते हो 2 साइड निशान कर दिया है, जिधर फ्रेश है सबसे, ठीक है। ये 2 साइड बिल्कुल फ्रेश है, तो इधर हमने सामने निशान लगा दिया है, यही सामने बनेगा, ठीक है। और इस साइड थोड़ा सा ख़राब है, देख सकते हो, तो इसको हम अंदर रखेंगे। ये दिखेगा तो हमें इस टाइप से दिखेगा। अब ये तो हो गया, तो इसी टाइप से आपको 4 पाए बना लेना है, ठीक है। चलिए हम 4 पाए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यार, हमने ये 4 पाया बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, एक ही साइज में। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने लायक बहुत सारी बातें यहाँ पे रखी हुई, जब हम इसको मार्किंग करेंगे तब, ठीक है। बहुत सारे कारपेंटर भाई यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने ये 2 अलग किया और ये 2 अलग कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले हम इसको 2 को हम जोड़ी बनाएंगे। तो देखिए, ये इधर एक मार्किंग है, ये फेस है इसका, ठीक है। ये सामने फेस है, ये फेस है, तो ये बाहर रहेगा, इसका भी देख सकते हो, ये इधर है और एक इधर है ना, और ये इधर सामने ऊपर है, देख इस टाइप से, और ये पीछे है, ये मार्किंग। तो अपन को सिंपल इस टाइप से रखना है, ये ऐसा जब खड़ा हो जाएगा ना ऐसा, तो ये फेस दिखेगा और ये फेस बाहर रहेगा, और ये अंदर लगेगा अपना, जो पाठिया लगेगा बगल से वह अंदर लगेगा। तो अब इसी को आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो अपन सबसे पहले इसमें जोड़ी लगा देंगे, नंबर लिख देंगे पहले जोड़ी बना के। तो इसमें अपन सिंपल 1-1 लिख देंगे इस टाइप से कुछ, तो ये जोड़ी बन जाएगा। इसमें हम सिंपल डाल देते हैं यहाँ पे 1-1 करके, ऐसा मार्किंग कर लेते हैं, निशान लिख देते हैं, ये 1-1 हो गया। और इसको अपन बना लेंगे 2-2, तो ये हो गया 1-1 और 2-2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको हम सिंपल इसको उल्टा रखेंगे, ठीक है, ये इस टाइप से हम इसको सिंपल उल्टा रखेंगे इस टाइप से, और यहाँ पे इसको गुनिया में कर लेंगे इस टाइप से। और अपन सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से अपन 3 इंच मार्किंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 3 इंच में एक मार्किंग लगा देता हूँ, क्योंकि 3 इंच का जो ये पाठिया लगेगा ना इधर से, ये 3 इंच का रहेगा, और यहाँ पे 1 इंच पे लगा देंगे, 2 इंच का ये छेद होगा अपना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मार्किंग घुमा देंगे, इधर ध्यान रखना गुनिया में रखना अच्छे से, है ना। चलिए मार्किंग घुमा देते हैं इसका, ये अपना मार्किंग घूम गया, ये 1 साइड मार्किंग हो गया अंदर साइड, है ना। अब ये भी अंदर है, ये अपना फेस है और ये अपना फेस है, ठीक है, देख सकते हो ये मार्किंग लगा हुआ है। अब ये हो गया अपना 1 अंदर, इसको इस फेस से गुनिया लगा के इस टाइप से इस धागे को हम घुमा देंगे, देख सकते हो दोस्तों। ये जो इसका मार्किंग है, ये अंदर लगा है, फेस पर हम मार्किंग नहीं लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये अपना फेस है ना, देख सकते हो, ये इधर फेस है और ये फेस है, तो हमने अंदर साइड मार्किंग किया हुआ, देख सकते हो 2 साइड, क्योंकि 1 छेद इधर होना है आपका और 1 छेद यहाँ से होना है, ठीक है। इधर छेद जाके मिल जाएगा आपस में, इस टाइप से छेद मिल जाएगा। अब आप समझ गए होंगे डिटेल से जो मैं बताया हूँ, सेम इसी तरह इसको देखिए, ये अपना फेस है और ये अपना ये फेस है, देख सकते हो, ये फेस है और ये फेस है, तो ये अंदर एक मार्किंग लगा हुआ है, और इसमें मिला के इस फेस से हम इस मार्किंग को घुमा देंगे इस टाइप से, ये इस टाइप से ये हो गया, ठीक है।
अभी अपना मार्किंग लग चुका है, ठीक है दोस्तों। अपन क्या करेंगे, फिर से वापस इसको रखेंगे, मैं हटा दिया आपको समझाने के लिए, ये तो फिर दूसरे साइड भी मार्किंग लगा के इसको मैं हटाया रहता। तो ये दो दो को हम इस टाइप से मिलाए थे, इस टाइप से अब इसको घुमा देंगे, इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये अंदर हो गया। अब इसको सिंपल फिर से हम एक बार गुनिया में मिला देंगे, तो देख सकते हो ये अपना मार्किंग परफेक्ट है। अब क्या करेंगे अपन, इधर से अपन 3 इंची छोड़ के, आप चाहो जितने में छोड़ सकते हो या 4 इंची में छोड़ के, इस साइड भी हमको एक मार्किंग करना है, ठीक है दोस्तों। तो अपन यहाँ पे सिंपल सा अपन 3 इंच में एक मार्किंग कर लेते हैं इस टाइप से, और अपन कर लेते हैं यहाँ पे एक 1.5 इंच में मार्किंग, यहाँ पे वापस उल्टे में 3 इंच लगाया है और यहाँ पे अपन 1.5 इंच पे एक निशान और लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको भी हम धागा घुमा देंगे, ये इस टाइप से, ये अपना धागा घूम गया। अब क्या होगा दोस्तों, बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे भी एक छेद होगा, है ना। तो अपन ये जो फेस है और ये जो फेस है, इस टाइप से ये देख सकते हो, ये जो फेस है और ये जो फेस है, ये हो गया अपना। अपन क्या करेंगे, इस साइड से मार्किंग लग जाएगा, तो यहाँ से इस टाइप से एक पार्टीशन और लग जाएगा नीचे में, ये इस टाइप से और एक ऊपर, तो इसलिए हमने इस निशान को लगाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इस टाइप से भी आपको एक निशान लगाना है, आप लोग समझ गए होंगे, सेम उसमें भी, ये इसमें भी सेम लगाना है जिस टाइप से आप इसमें निशान लगाए हो। मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से आप लोग समझ जाना, ठीक है दोस्तों। और कहीं पर गलती होता है तो कमेंट जरूर करना यार, कि कहीं पर समझ में नहीं आया होगा, या मेरे से कोई गलती होता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है बताने में कुछ गलती भी हो सकता है। तो दोस्तों हमने सारे में मार्किंग कर लिया यार, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको छेद के लिए हम मार्किंग इसमें बड्डी वड्डी का निशान लगाते हैं, कि कैसे लगाते हैं उसको भी दिखाते हैं। अब देख सकते हो दोस्तों, ये तो हो गया, अब इसमें ना ये बड्डी चलाएंगे इसमें छेद करने के लिए, ठीक है। तो कई कारपेंटर भाई यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो देख सकते हो ये फेस है ना, ये फेस बनाया था ना, इस फेस तरफ से हमको इसमें ये बड्डी चला देना है इस टाइप से, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब सिंपल इसको इस टाइप से ऐसा घुमाएंगे, देख सकते हो ये फेस आ गया अपना, ठीक है। तो इस फेस से इधर घुमा देंगे अपन ऐसा, ठीक है, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये वाला है, ठीक है, तो इधर एक निशान है, तो अब सिंपल इसको भी इसी साइड से इस पर लगा देंगे ऐसा, ये हो गया अपना एक, दूसरे में जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक लिखा हुआ, तो इस साइड से हम यहाँ पे इसको घुमाएंगे इस टाइप से, ये हो गया। अब ये फेस है इधर ही, तो यहाँ पर भी एक निशान लगेगा इस टाइप से, अब इसको सिंपल ऐसा घुमा देंगे तो ये फेस इधर से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सीधा छेद होगा ये, और एक यहाँ से छेद होगा, तो ये यहाँ से छेद होगा, दोनों छेद जो है आपस में इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सेम टू सेम इसको भी आपको इस टाइप से बड्डी चलाना है, ठीक है। चलिए मैं चला लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। अब ये तो निशान हो गया दोस्तों, अपना बड्डी चला लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को अंदर अंदर से हमको छेद करना है, ठीक है। यहाँ से पूरा छेद नहीं करना है, यहाँ तक हाफ करना है, और इधर से ये छेद में जाके दोनों छेद को मिला देना है इस टाइप से। तो अपने पास तो कोई मशीन नहीं है इसमें छेद करने के लिए, हाथ से करेंगे है, लेकिन अपन हाथ से ही करेंगे। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको हाथ से ही छेद करना है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने एक साइड छेद कर लिया है, इसको हमने पूरा छेद नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमने ये 1.5 इंची का या 1.25 इंची के आसपास ये छेद हुआ, देखिए इतना तक छेद हुआ है अपना, ठीक है, यहाँ तक देख सकते हो। अब इधर को भी हमको छेद करना है। इससे पहले आप ना इस टाइप से एक इसके लिए एक चूल बना लेना, ठीक है, ताकि क्या करते हैं कई लोग छेदते छेदते जाते हैं ना, तो ये जो कॉर्नर होता है वो फट जाता है। तो सिंपल से इसमें इसको डाल दीजिए ऐसा, देख सकते हो, उसके बाद इसमें इधर से छेद करिए, फिर ये फटेगा नहीं, ये कोना जो कॉर्नर है ना छेदते हुए वो फट जाता है, वो नहीं फटेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसमें छेद कर लिया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, इधर से भी हो गया है और यहाँ से भी देख सकते हो। तो हमने ये दोनों छेद मिला दिए अच्छे फिनिशिंग से, आप देख सकते हो, इधर से उंगली में दिखाया था हूँ, देख सकते हो ये उंगली इधर से दिख रहा होगा। तो इस टाइप से आपको छेद करना है, ये काफ़ी मजबूत बनेगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेडीमेड टाइप के बनाते हैं, इधर से भी एक इंच छेद कर लेंगे, इधर से भी 1 इंच छेद कर लेंगे, ठीक है। उसमें अपना जो चूल वगैरह लगा के उसको टाइट कर लेंगे, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बोलता। ये जब बनेगा तब देखना कि ये वास्तविकन में स्टूल कैसा बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप मत करना भाई, इतना मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, आप लोगों के लिए महज 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन मुझे बनाने में इसको 1 से 2 दिन लग जाता है। तो इसके लिए भाई एक लाइक तो बनती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
उनको बाकी चारों में छेद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों भी बाकी है, ठीक है, ये मैंने अभी एक छेद किया है, इसको करने में मुझे आधे घंटे का टाइम लग गया, ठीक है। इन चारों को छेद करने में आधा घंटा लगने वाला है, तो चलिए मैं इन तीनों को भी छेद कर लेता हूँ इसी टाइप से। हम देख सकते हो यहाँ पे भी नीचे में एक छेद किया हूँ, ठीक है, और यहाँ भी ये एक सीधा है ना, और इधर नहीं किया हूँ, देख सकते हो। इस टाइप से आपको भी करना, जिस टाइप से मैंने निशान लगाने के लिए बताया था। कई लोग बोलते हैं कि आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, लेकिन भाई बोलूँगा नहीं तो आप लोग समझोगे कैसे। डायरेक्ट दूसरे के टाइप के मैं दिखा देता ऐसा, बाद में वॉइस ओवर कर देता तो उसमें आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से मैंने क्या किया, और इसमें मैंने कहाँ पर क्या कर रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में बताते चलता हूँ, इस कारण से आपको समझ में आता है। तो चलिए इसको भी छेद कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यार, फाइनली हमने ये चारों जो पाया है उसको छेद कर लिया है, ठीक है, देख सकते हो। ये हमने देख, ये वाले जो है इसको यहाँ से डबल छेद किए हुए देख सकते हो, और सिंगल यहाँ पे एक ही छेद किया है, यहाँ पे डबल नहीं किया है, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसके लिए साइड साइड में जो पार्टियाँ लगना है उसको हमने रंदा मार के यहाँ पे फिनिशिंग कर चुके हैं, देख सकते हो। ये अपने जो पार्टियाँ है, तो हमने क्या किया, इसको 3 इंची में इसको रंदा मारे है, ठीक है, देख सकते हो 3 इंची में फिक्स है, क्योंकि ये जो अपने नाप लगाए थे यहाँ पे, तो ये बिल्कुल 3 इंची में लगाया है, देख सकते हो। और यहाँ से ऊपर से हम 1 इंची इसको छुड़ा के मार्किंग किए ताकि ये छेद कर सके, ठीक है दोस्तों। और ये 1.5 इंची का है जो यहाँ पे लगने वाला है, तो हमने यहाँ पे 1.5 इंची का एक यहाँ पे भी इसको रंदा मार के फिनिशिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अपन ये दो उठाएंगे इस टाइप से, ये तो हम इसको सिंपल ऐसा रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अपन को हम इसका साइज कितना बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये ऐसा बनेगा तो ये जो है बीच का जो है ये साइज टोटल बाहर बाहर हमें कितना रखना है, इसको ध्यान में दीजिए कि मैं इसको कैसा माप निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको 11 इंची का फाइनल बनाने वाला हूँ, ये 11 इंची का, तो मैं क्या करूँगा इसमें से 1 इंची कम कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, अपना ये 1.5 इंच का ये वाला छेद है, तो 1.5 इंच इधर घुस जाएगा और 1.5 इंच इधर घुस जाएगा, ऐसा लगेगा, तो ठीक है। ये देख सकते हो, ये इस टाइप से लगेगा, 1.5 इंच इधर घुस जाएगा यहाँ तक और 1.5 इंच इधर घुस जाएगा, तो ये इधर 0.5 इंची बचेगा, क्योंकि ये 0.5 इंची छूटा हुआ ये वाला पोर्शन, तो 0.5 इंची बचेगा। तो 10 इंची काटेंगे तो इसमें से जो है चूल वगैरह लग के फिक्स 11 इंची का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे, 10 इंची में चलिए इसको 4 पीस काटेंगे, देख सकते हो ये 3 इंची का जो मैंने काटा था, इसको 4 पीस काटना है इन चारों तरफ चूल लगाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो, और हमने 10 इंची का 4 पीस ये उसके लिए पार्टियाँ काट लिए जो ऊपर में लगना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, नाप निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यह जो छेद है इसको एक बार आप नाप लेना इस टाइप से। मेरा 1.5 इंची का फिक्स है, देख सकते हो मेरा 1.5 इंची का आ रहा है फिक्स है, और आपका हो सकता है अप डाउन हो सकता है, ये खुरा का जो साइज है बराबर होगा तो बराबर छेद रहेगा, है ना। तो मेरा बराबर है तो ये 1.5 इंची का है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे इधर से 1.5 इंची का मार्किंग कर लूँगा। सबसे पहले तो आपको इसको गुनिया में से बराबर कर लेना है, ठीक है। और मैंने ऊपर फेस बना लिया, देख सकते हो, और ये सामने जो है उसको भी फेस बना लिया है जो सामने में रहेगा। अब अपन यहाँ से सीधा सीधा 1.5 इंची का अपन मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से, और यहाँ भी 1.5 इंची का मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से। उसके बाद धागा घुमा देना है, तो हमने दोस्तों धागा घुमा दिया है, ठीक है। अब इसमें सब में हमको दोनों साइड से धागा घुमा देना है, चलिए घुमा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने चारों में निशान लगा दिया, ठीक है, देख सकते हो धागा घुमा दिया। अब क्या करना है, जिधर ऊपर रहेगा, जिधर टेबल का टॉप लगेगा ऊपर का, ये ऊपर है, ठीक है, इसी साइड को ध्यान में रखना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मार्किंग अपन किया है ना, यहाँ से अंदर साइड इधर अंदर 2 सूत में एक और निशान लगा देना है इस टाइप से, और 2 सूत में एक और निशान लगा देना इधर से अंदर साइड, ये ऐसा। अब सिंपल सा इसको आपको मार्किंग कर लेना है, ये वाले निशान को और ये वाले भी निशान को मार्किंग कर लेना है, ये ऐसा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन ना सिंपल सा यहाँ से ये कॉर्नर से अपन इसमें मिला, अभी जो निशान लगाए ना उसमें मिला देंगे इस कोने को ऐसा, ये इस टाइप से, देख सकते हो। अब क्या होगा, अपन को इसको कट करना है, ठीक है, ये वाले जो धागा है ना इसको कट करना है अपन को, इसी तरह इधर को भी घुमा देते हैं इसी टाइप से, ये देख सकते हो। अब सेम टू सेम इधर पीछे को भी ऐसी घुमाना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस कोने तक। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा जो टेबल रहता है ना वो थोड़ा सा नीचे साइड फैला हुआ रहता है, तो उस टाइप से फैला हुआ दिखेगा, ठीक है।
तो मैंने इसमें निशान लगा दिया, तो चलिए मैं चारों में निशान लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यार, हमने चारों में बिल्कुल निशान लगा लिया जो तिरछा वाला था, ठीक है। देख सकते हो दो सूत में हमने लगाया है, ध्यान रखना। अब सिंपल इसमें हम ये जो बॉडी है इसको चला देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप ये जो फेस है ना, फेस साइड से इसमें चलाना है। इसी टाइप से दोस्तों चारों में बॉडी चला लेना है, फिर हम इसको सिंपल सा कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने चारों में बॉडी चला लिया है, हम इसको कटिंग करने वाले हैं। ये छोटा छोटा पीस है तो हाथ से काटते नहीं बनेगा पकड़ के, इसलिए इसमें सिकंजे में दबा लेना है, ठीक है, जो क्लैंप होता है। और एक बात और ध्यान रखना है, हमको ये वाले धागे को काटना है ना, ये वाले को ना, कि इसको काटना है। और मार्किंग जिंदा करके काटना है दोस्तों, बाद में इस मार्किंग को फिनिशिंग करेंगे। अभी तो आप ये धागा को काट दोगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। तो देख सकते दोस्तों हमने इसको काट दिया, ठीक है। देखिए हमने मार्किंग इसको जिंदा किया हुआ है पूरा, देख सकते हो यहाँ पे। इसी टाइप से इधर को भी काटना है, दोनों साइड को, ये बॉडी का निशान लगा हुआ है ना, यहीं तक काटना है, ठीक है, ज़्यादा मत काट देना। तो चलिए हम अब इसी टाइप से इसको भी काट के चारों को सेम काट के हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने चारों को जो मार्किंग के सबको कटिंग कर लिया, देख सकते हो हमने कैसा काटा है। ये वाला जो है तिरछा काटा है ना, देख सकते हो इधर से ऐसा ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, अपन सबसे पहले सारे चूल को अपन साफ कर लेते हैं जो काटे उसको बाहर बाहर को, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों हमने इसका एक साइड का चूल निकाल लिया, देख सकते हो। सेम इसको भी निकालना है इसी साइड, इसी टाइप का, देख सकते हो। और इन चारों को भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को निकाल लेते हैं सबको, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमने ये चारों पार्टियों का इसका जो है चूल निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। और चूल निकालने के साथ साथ ही हमने ये जो मार्किंग जो जिंदा की थी उसको अच्छे फिनिशिंग से चौड़ती के माध्यम से इसको झाड़ लिया अच्छे से, देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऐसा फैलाना है ये जो अपना पाया है उसको। और ये जो ऊपर देख सकते हो ये तिरछा कर रहे थे है ना, अपन ये ऊपर बनाया था, देख सकते हो ये निशान लगा हुआ पेन से। इसको सिंपल सा हमको इस टाइप से रखना है, ये इस टाइप से, और यहाँ पे सिंपल सा हमको मार्किंग कर देना है इस टाइप से, और इधर को भी। तो देख सकते हो दोस्तों दोनों साइड मार्किंग कर लिया अपन ने, और साथ साथ ये दो दो का है, देखिए जुड़ी है ये दोनों। तो सिंपल सा अपन इस साइड से इसको भी यहाँ पे दो लिख लेते हैं इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों एक साथ जोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो चुका है ये। अब ये जो मार्किंग लगा है ये अपना एक इंची में लगा था, क्योंकि ये सामने अपन ने एक इंची छोड़ा हुआ था, तो अपने पास ये एक इंची का ये स्केल पट्टी है, तो इसके माध्यम से इधर बराबर करके हम इसी मार्किंग को पेन से खींच लेंगे इस टाइप से। अब इसको क्या है दोस्तों, हमको कटिंग करना है, ठीक है। सेम इधर को भी इसी टाइप से मार्किंग कर लेना है। तो ये निशान हो चुके दोस्तों, चलिए इसको काट लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमने ये फिनिशिंग कर लिया, ठीक है। अब ये जो है अपना ये साल अपना जो है चूल जो है आराम से अंदर चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन डालने से पहले दोस्तों एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ से हमने थोड़ा तिरछा काटा हुआ था, और ये तिरछा के हिसाब से ये कोना जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ना दोस्तों अपन मार्किंग करके जितना में ये आने वाला है उतने में हम इसको सिंपल सा मार्किंग करके इसको काट देंगे। तो अपन यहाँ पे 1.5 इंची का साल है, तो 1.5 इंची में इस टाइप से अपन इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो 1.5 इंची में थोड़ा सा कम कर रहे दोस्तों, ताकि थोड़ा सा ढीला रहे, एकदम चिपक के ना रहे, बाद में परेशानी ना। आधा सूती कम कर रहे अपन ने 1.5 इंची में इस टाइप से, और सिंपल से इसको अपन को मार्किंग करके काट देना है। तो दोस्तों देख सकते हो यार, हमने इसको आइट साइड से काट लिया। और इसको डालने से पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को, देख सकते हो मैंने इधर को थोड़ा सा ना तिरछा, इधर से इसको छेद को और बढ़ाया, इधर तिरछा मतलब ऐसा तिरछा किया हूं मैं आपको एक बार पेन में चला के बता देता हूं। ये हल्का सा इसको मैंने ऐसा तिरछा किया हुआ है यहां से इसको अंदर से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। आप लोग भी ऐसे करना है, परेशानी आता है ऐसे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको लगाते हैं सिंपल, तो देख सकते हो अच्छे से बैठ चुका है ये। और इधर से भी देखते हैं तो ये देख सकते हो अच्छे से ये अपना बैठ गया दोस्तों, देख सकते हो। अब क्या करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, इस नीचे वाले पोर्शन के लिए हमने 1.5 इंची का एक रंधा लगा के रखा था यह पार्टियाँ, ठीक है। अब सिंपल से क्या करेंगे, इसको रख के अपन इसमें मार्किंग करेंगे। तो अपन को रखना ऐसा होगा, थोड़ा सा इधर इसको बाहर निकाल दीजिए ताकि इधर चूल लग जाए। और ये जो मार्किंग लगाया हूँ देख सकते हो, आप भी लगा लेना ऐसा ऊपर में, इस छेद के ऊपर में। तो इसमें बिल्कुल फिक्स से इसको मिलाना है इस टाइप से, ये इस टाइप से।
उसके बाद दोनों साइड से पेन में एक किनारे को और एक किनारे को हम मार्किंग करेंगे। ये अपना मार्किंग हो चुका है दोस्तों, और देखो फेस बाहर है ना, और ये ऊपर वाला फेस है, ध्यान में रखना, मैं इसको मैंने मार्किंग किया था पेन से ऐसा। अब सिंपल सा हम इसमें धागा घुमा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यार, हमने इसमें मार्किंग कर लिया, ठीक है, देख सकते धागा भी घुमा दिया है दोनों साइड से। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं, इधर को भी काट देंगे। हमने ये 1.25 के इधर रखा हुआ है और 1.25 इधर लिया हुआ है, तो इसको बाहर एक्स्ट्रा पार्ट को काट के फेंक देंगे। एंड इसमें अपन बॉडी वॉडी चला के चूल निकाल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने इसको फिनिश कर लिया है, चलिए इसमें लगा के इसको भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये अपना फिनिश हो चुका है यार। अब क्या करेंगे, ये तो अपना होगा, इसको सिंपल सा हम अब इसको जाम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल इसको खोल लेते हैं पहले। अब इसमें दोस्तों हम इन चारों छेदों में ये फेविकोल डाल देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद इसको जाम करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यार हमने यहाँ पे कील मार के इसको जाम कर लिया, ठीक है, ये अच्छे से जाम हो गया। और एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने चूल लगाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ अंदर चूल लगा हुआ है, देख सकते हो, उसको मैंने तिरछा टेपर ऐसा पीछे साइड से टेपर किया हुआ है, ठीक है, ताकि ये इधर का जो चूल लगे इसमें इसे, तो जाकर दोनों आपस में इस टाइप से मिल जाए। तो देख सकते हो अंदर को मैंने टेपर किया हुआ है, तो आप लोग भी ऐसा टेपर कर लेना। और सेम टू सेम इसका जो दूसरा जोड़ी है उसको भी ऐसी बना के पहले जाम कर लेना। चलिए मैं उसको जाम कर लेता हूँ, फिर दिखाऊंगा। उससे पहले हमको थोड़ा सा ना इसको हमको सीधा करना पड़ेगा रंधा से, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एक कोना उठा हुआ है, ये कोना उठा हुआ है इसके लेवल से, क्योंकि हमने इसको तिरछा किया है तो ये कोना उड़ गया है, तो इसको रंधा मार के हम लोग लेवल कर लेंगे। चलिए सबको कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो और हमने ये दोनों को अच्छे से जाम कर लिया है, ठीक है, ये देख सकते हो। और साथ ही साथ हमने ये जो साइड में रखना है इसको भी हमने रेडी कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमने इसमें जमा के देख लिया दोस्तों। अब सिंपल इसको लगा के इसको जोड़ देना इस टाइप से। देख सकते हो इस टाइप से हमको जोड़ के इसमें फेविकोल डाल के इसको टाइट कर देंगे, जैसे ये वाले पोर्शन को किया था। तो सेम टू सेम इसको भी हम फेविकोल डाल के किल विल मार के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमने यार इसको बिल्कुल जाम कर दिया, देख सकते हो चारों साइड से इसको जाम कर दिया, देख सकते हो कैसा दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें दो काम और बाकी, अपने एक टैप लगाना और एक यहाँ पे एक पट्टी लगाना, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक पट्टी यहाँ पे तैयार कर चुके हैं, देख सकते हो। इसको हमने थोड़ा थोड़ा खचका मार लिया इधर, ठीक है, और सिंपल हम यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे जाम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जाम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको टाप कैसे ठोकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे पट्टी ठोक दी है और इसको रंधा मार के बराबर कर दिया, ठीक है, ये लेवल को। अब देख सकते हो देखने में कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब सिंपल इसके लिए हमारे पास ये हमने टाप लगा रखे हैं प्लाई का, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एक बिल्कुल बड़ा प्लाई नहीं था, हम टुकड़ा था, तो इसको दो भाग में जोड़ लिया है, ये जोड़ने वाला कील है, इसकी मदद से हमने जोड़ा है। और उसके बाद इसी को हम इसमें टाप लगाएंगे। इसको हमने सिंपल था यहाँ पे देख सकते हो एक एक इंच बाहर चारों तरफ निकालना है, तो एक इंच में हमने यहाँ पे पैनल किल लगा दिया, ठीक है दोस्तों, ताकि इधर उधर ना भगे। अब इस हिसाब से हम इसको रख के यहाँ पे सिंपल से इसमें हम जाम कर देंगे, ऐसा देख सकते हो। अब ये कील यहाँ पर फंस गया, अब सीधा इसको यहाँ पर हम कील मारेंगे। हमने ये 2 इंच का कील यूज कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों हमने यार इसमें टाप ठोंक दिया है, ठीक है, देख सकते हो ये प्लाई को हमने यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें लकड़ी भी डाल सकते हो, लकड़ी डालने थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने प्लाई का यूज़ किया है। और ये कॉर्नर को जितने भी कॉर्नर है सबको हमने थोड़ा राउंड में घसाई कर दिया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसमें बैठ के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हो ये बहुत ही मजबूत बना, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसमें खड़ा होकर भी दिखाते हैं। देख सकते हो बिल्कुल मजबूत है, हम इसमें थोड़ा कूद लेते हैं इस टाइप से, ये बहुत ही मजबूत बना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताना भाई, मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% ये स्टूल बनाना सीख जाओगे। आप चाहो दोस्तों तो इसमें सनमाइका चिपका सकते हो, हमारे पास अभी सनमाइका नहीं है, हम बाद में जब टुकड़ा मिलेगा हमको तो हम इसमें ला के चिपका देंगे। तो यार इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में एक लाइक कर देना भाई, इतना मेहनत किया हूँ, ठीक है, देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।